हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6 हिंदी की कार्यपत्रक 14 हल करेंगे, जो कि 24 अगस्त 2021 की है। तो चलिए कार्यपत्रक हल करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ संस्मरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशाकों के बारे में जाना। चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। अब यहाँ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूते पॉलिश करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब जूता से पैर छिलने लगते तो लेखिका अपने मोजे में रुई लगा लिया करती थी। प्रश्न 3, ओलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था, बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखिका को ओलिव ऑयल जैतून का तेल पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रश्न 4, लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखिका के समय में नए जूते मिलते ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। प्रश्न 5, लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी। तो इसका सही उत्तर है रुई। अब यहाँ गतिविधि दी गई है, आप इतवार की सुबह क्या क्या काम करते हैं सूची बनाइए। यहाँ कुछ नए शब्द दिए गए हैं, शनिचर, शनिचर का अर्थ होता है शनिवार, सैटरडे। मितली, मितली का अर्थ होता है उल्टी, वॉमिटिंग। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल को हिंदी में कहते हैं अरंडी का तेल। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।